आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। भगवान परशुराम के जयकारों से गूंजा नगर। सर्व ब्राह्मण समाज ने निकाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। बड़वाहा अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयंती नगर में धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष में ब्राह्मण समाज ने नगर में परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। सर्व ब्राह्मण महासभा, सर्व ब्राह्मण महिला मंडल, सर्व ब्राह्मण दुर्गा वाहिनी एवं सर्व ब्राह्मण युवा वाहिनी के तत्वाधान में निकली इस शोभा यात्रा के दौरान नगर जय जय श्री परशुराम का उद्घोष गूंज उठा। परशुराम जयंती महोत्सव के अंतिम दिवस शनिवार शाम 7 बजे नागेश्वर मंदिर परिसर में भगवान परशुराम जी की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा और चित्र के पूजन अर्चन और आरती के पश्चात शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। हाथों में ध्वज पताका लिए घुड़सवार विप्र वर्ग का प्रतिनिधित्व चल रहे थे। इसी तरह पीत वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए पुरुष जन जय जय परशुराम के गगनभेदी उद्घोष लगा रहे थे। वहीं केसरिया और पीत वस्त्र साड़ी पहने महिलाएं और युवतियों ने भी शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बार समाज की युवतियों में खासा उत्साह नजर आया। कुछ युवतियां साफा पहने हुए नजर आई। आराध्य परशुराम जी की प्रतिमा को विद्युत लड़ियों से सुसज्जित वाहन में विराजित किया। वहीं बग्गी में परशुराम के वेश में बैठे वामनराव अत्रे आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। अशोक तिवारी भगवान परशुराम के पिता में जमदग्नि भी बग्गी में विराजमान थे। इस दौरान दिव्यांश पंड्या ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जबकि वादकों के दल ने उनके सुरों को संगीतबद्ध किया। वेदपैठी ब्राह्मणों के दल ने यात्रा मार्ग पर शंख ध्वनि के माध्यम से समाजजनों के बीच ऊर्जा का संचार किया। झंडा चौक, गोल बिल्डिंग, एमजी रोड, मुख्य चौराहा, जय स्तंभ, नर्मदा रोड होते हुए शोभा यात्रा हाउसिंग बोर्ड स्थित विवेकानंद विद्या विहार स्कूल पहुंची। चल समारोह के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर शोभा यात्रा में शामिल समाजजनों का सम्मान किया। यहां सभी समाजजनों ने भगवान परशुराम की सामूहिक आरती की। उसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें सभी समाजजनों ने सम्मिलित होकर भोजन प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर महासभा अध्यक्ष राजेंद्र जोशी, महिला मंडल अध्यक्षा किरण जोशी, दुर्गा वाहिनी अध्यक्षा दीपमाला शर्मा, युवा वाहिनी अध्यक्ष पीयूष शर्मा सहित पदाधिकारियों ने समाजजनों और सहयोगियों का आभार प्रकट किया। सर्व ब्राह्मण युवा वाहिनी ने एक दिन पूर्व निकाली वाहन रैली। सर्व ब्राह्मण युवा वाहिनी ने वाहन रैली निकाली, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जहां जहां भी रैली निकली, उस मार्ग पर जय श्री परशुराम के जयकारे गूंजे। शाम करीब 6 बजे नागेश्वर मंदिर परिसर से रैली प्रारंभ हुई। महासभा अध्यक्ष राजेंद्र जोशी, दिलीप शर्मा, सुरेंद्र पंड्या, गौरी शंकर शर्मा, नवीन दुबे के द्वारा पूजन के साथ रैली का शुभारंभ हुआ। इसके बाद युवा वाहिनी अध्यक्ष पीयूष शर्मा के नेतृत्व में अपने अपने दोपहिया वाहनों के माध्यम से समाज के युवा और वरिष्ठ जन इस वाहन रैली में सम्मिलित हुए। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। कई स्थानों पर वाहन रैली का स्वागत भी हुआ। मार्ग में बाइक सवार युवा जन बड़े उत्साह के साथ भगवान परशुराम के जयकारे लगाते चल रहे थे। हाथों में केसरिया एवं जय परशुराम लिखे हुए ध्वजों को लहराया जा रहा था। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली रैली का समापन शाम करीब 7 बजे विवेकानंद विद्या विहार हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में हुआ। यहां महासभा अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। युवा वाहिनी सचिव हर्षिल व्यास ने इस रैली में सम्मिलित होने वाले सभी युवाओं और वरिष्ठ जनों का आभार माना। बड़वाहा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट।